नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं वायु सेना भर्ती के लिए छह फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर एयर इनटेक की सूचना जारी कर दी है इस वायुसेना भर्ती के लिए इच्छुक सभी पुरुष और महिला उम्मीदवार छह फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अग्निवीर वायु प्रवेश के लिए पंजीकरण सत्रह जनवरी को ग्यारह बजे शुरू होगा कमांडिंग ऑफिसर और कर्मचारी 12 जनवरी से 23 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों के लिए जागरूकता और प्रेरणा सत्र आयोजित करने के लिए आपके जिले का दौरा करेंगे कमान अधिकारी विंग कमांडर ए प्रदीप रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अग्निवीर वायु प्रवेश के लिए पंजीकरण 17 जनवरी 2024 को 11 बजे से शुरू होगा एयरमैन अग्निवीर वायु चयन केंद्र बिहार और झारखंड राज्य से भारतीय वायु सेना में एयरमैन के चयन और नामांकन के लिए जिम्मेदार है प्रेरणा गतिविधियों के अलावा केंद्र पर बिहार और झारखंड के युवाओं के बीच भारतीय वायु सेना में कैरियर और जीवन के बारे में प्रचार और जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी है बता दें अग्निवीर वायु प्रवेश एक दो हजार पच्चीस के लिए पंजीकरण सत्रह जनवरी को ग्यारह बजे से शुरू होगा और पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए छः फरवरी को तेईस बजे तक बंद हो जाएगा 22 जनवरी को शराब और मांस की बिक्री पर लगे बैन बीजेपी अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है पूरे देश में इसे लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसी बीच बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया जाए सांसद ने पत्र लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राज्य में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाए पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को आएंगे धनबाद बीजेपी की बैठक में हुई घोषणा बीजेपी की बैठक शुक्रवार को धनबाद जिला कार्यालय में हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की इस बैठक की अध्यक्षता की इस बैठक में धनबाद बोकारो गिरिडीह एवं कोडरमा के सांसद सभी विधायक एवं जिला अध्यक्ष मौजूद थे इस बैठक में सत्ताईस जनवरी के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा हुई पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बलियापुर हवाई अड्डा मैदान में होगा इस आयोजन को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा की गई कि पीएम नरेंद्र मोदी सत्ताईस जनवरी को धनबाद आएंगे बता दें राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जानकारी दी है कि आम सभा दो बजे से होगी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जानकारी दी कि सत्ताईस जनवरी के पीएम नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे इसकी आमसभा दो बजे से होगी 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों ने दोबारा टेट की अनिवार्यता का किया विरोध 2015-16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों ने प्रोन्नति के लिए कक्षा छः से आठ का टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का विरोध किया है राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई नियमावली गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें प्राविधान किया गया है कि 16 दिसंबर 2014 के बाद नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों ग्रेड चार तथा प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक अर्थात कक्षा छह से आठ के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है इस अवधि के बाद नियुक्त इंटर शिक्षक कक्षा एक से पांच के लिए ही टेट उत्तीर्ण है झारखंड पुलिस भर्ती के लिए आवेदन अब 22 जनवरी से भरे जाएंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान तेईस फरवरी की मध्य रात्रि तक कर सकेंगे वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि पच्चीस फरवरी तक निर्धारित की गई है समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से आरक्षी के कुल चार हजार नौ सौ पदों पर नियुक्ति होनी है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति को मिला निमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए शुक्रवार 12 जनवरी को निमंत्रण पत्र दिया गया प्रेसिडेंट मुर्मू को पत्र राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल ने दिया है बी ने इसको लेकर कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र सौंपा गया उन्होंने इस पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया है और कहा है कि वो अयोध्या आने के लिए शीघ्र ही समय तय करेंगी झारखंड के स्कूल व कॉलेज में अब ऑनलाइन जमा होंगे पंजीयन व परीक्षा शुल्क झारखंड के स्कूल और कॉलेज में अब विद्यार्थियों के पंजीयन और परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन लिए जाएंगे इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी डी को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि जैक द्वारा विभिन्न भी परीक्षाओं के पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क की राशि चलान के माध्यम से नगद बैंक में जमा की जाती है वित्तीय निगम के आलोक में सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन भी ऑनलाइन डिजिटल मोड में किया जाना आवश्यक है विद्यालयों को अब विद्यार्थियों से लिए जाने वाला शुल्क स्कूलों के छात्र विकास कोष के बैंक खाते में लेने का निर्देश दिया गया है प्रधानाध्यापक शुल्क जमा करने के लिए चलान जैक की वेबसाइट पर ऑनलाइन जेनरेट करेंगे आज से रांची में हॉकी का महासंग्राम शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा मैच शनिवार तेरह जनवरी से होने वाले एफ आई एच ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए रांची पूरी तरह तैयार है मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटअप स्टेडियम में भारत समेत आठ देशों की महिला टीमों के बीच हॉकी का महासंग्राम देखने को मिलेगा सभी आठ टीमों को दो अलग अलग पुल में रखा गया है भारत अपने अभियान की शुरुआत शनिवार तेरह जनवरी को अमेरिका के खिलाफ करेगा पुल बी का यह मुकाबला रात साढ़े सात बजे से खेला जाएगा इससे पहले दोपहर बारह बजे से जर्मनी और चिल्ली की टीमों के बीच मैच होगा इसके बाद दोपहर अढ़ाई बजे से होने वाले मैच में जापान और चेक रिपब्लिक टीमों आमने सामने होंगी वहीं शाम पांच बजे से न्यूजीलैंड और इटली की टीमें भिड़ेंगी शिक्षक प्रोन्नति नियमावली पर सरकार ने मांगा सुझाव स्कूली शिक्षा और सक्षरता विभाग ने झारखंड राज्य की एक कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है विभाग ने प्रारूप को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया है और इस पर सुझाव मांगे हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक कैलाश मिश्रा ने इस बाबत विज्ञप्ति जारी कर दी है उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए वर्तमान प्रोन्नति नियमावली में संशोधन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है राज्य के प्रारंभिक शिक्षक विभिन्न शिक्षक संघों के अनुरोध है कि इस नियमावली के प्रारूप पर तार्किक सुझाव और मंतव्य प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 20 जनवरी तक उपलब्ध कराए ताकि नियमावली को अंतिम रूप दिया जा सके देवघर के पूर्व एसपी का गृह विभाग को पत्र देवघर जिले के पूर्व एसपी सुभाष चंद्र जाट ने देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भयंत्री के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है गृह कला एवं आपदा प्रबंध विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सुभाष चंद्र जाट ने इससे संबंधित पत्र लिखा है बीस पन्ने के लिखे पत्र में सुभाष चंद्र जाट ने कहा है कि देवघर जिले के तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भयंत्री गोड्डा लोकसभा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को हमेशा टारगेट किया करते थे इतना ही नहीं निशिकांत दुबे को जबरन गिरफ्तार करने का अक्सर दबाव बनाते थे सुभाष चंद्र जाट वर्तमान में सीबीआई मणिपुर हिंसा की जांच के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं बता दें झारखंड गृह विभाग को सुभाष चंद्र जाट के द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि डीसी मंजूनाथ महंत्री ने लोकसभा समिति के सामने निशिकांत दुबे के खिलाफ गलत शिकायत करने का भी दबाव बनाया था मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का समापन तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ है मोराबादी के बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि खेल मंत्री हफिजुल हसन अंसारी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि पदक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया प्रतियोगिता के महिला वर्ग में रांची जिला संघर्षपूर्ण मुकाबले में पश्चिमी सिंहभूम को दो जीरो से हरा चैंपियन बनी वहीं तृतीय स्थान पर पूर्वी सिंहभूम जिला एवं चतुर्थ स्थान पर रांची जिला उप विजेता टीम रही पुरुष वर्ग के फाइनल में धनबाद जिला ने रांची जिला को कड़े संघर्ष पूर्ण मैच में एक जीरो से हरा कर खिताब अपने नाम किया वहीं तृतीय स्थान पर पाकुड़ जिला एवं चतुर्थ स्थान पर लोहरदगा जिला की टीम रही है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अधिवेशन के तहत तेरह को होंगे कई इवेंट उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने शुक्रवार को पीएम जनमन योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 15 जनवरी को मेगा इवेंट आयोजित किया जाना है इसमें प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से ग्रामीण ऑनलाइन जुड़ सकेंगे उपायुक्त ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत जिले में विशेष पिछड़े जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं गुमला में पलटा पशुओं से लदा ट्रेलर 40 मवसियों की मौत गुमला में पशुओं से लदा ट्रक पुल के पास पलट गया है इस हादसे में चालीस से अधिक पशुओं की मौत हो गई वहीं कई घायल हो गए घटना गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र का है जहां सेमरा जंगल स्थित जंगई पुल के पास ट्रक पलट गया इसमें 40 से अधिक गोवंशी पशुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है जानकारी के मुताबिक पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था सभी पालकोट थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के समीप जंगई नदी के पुल के पास ट्रक डिवाइडर से टकरा कर पलट गया है सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों ने किया हवाई फायरिंग झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है इससे लोगों में दहशत का माहौल है बताया जा रहा है कि करिलगढ़ गांव में सड़क निर्माण कराया जा रहा है लेवी लेने के लिए शुक्रवार को दिन दहाड़े नक्सलियों ने वहां पहुंचकर धावा बोल दिया और हवाई फायरिंग की है इससे सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर सख्ते में आ गए और काम छोड़कर चले गए इसकी सूचना मिलते ही सी के जवान मौके पर पहुंचे और छापेमारी में जुट गए जानकारी के अनुसार करीब दस की संख्या में वर्दीधारी नक्सली हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे ठेकेदार सुबोध कुमार ने लेवी की मांग या नक्सली धमकी से इनकार किया है झारखंड में 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा सफल होते दिख रही है झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जे के जोनल कमांडर मनोहर परहिया ने लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया वह लातेहार का रहने वाला है लातेहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के माध्यम से उसके खिलाफ दर्ज केस के बारे में जानकारी जुटा रही है हालांकि लातेहार पुलिस द्वारा अभी मनोहर परहिया के सरेंडर करने की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई पुलिस उसके खिलाफ अभियान चलाकर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी इसी बीच उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की और मुख्य धारा में शामिल होने की बात कही है झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा सत्रह व अठारह जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है मौसम विभाग की माने तो सोलह जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा मौसम शुष्क रहेगा मकर संक्रांति पर मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है वहीं सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रह सकता है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 से 16 जनवरी तक झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने की संभावना है और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा वहीं 17 और 18 जनवरी को झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है राहुल पुरवार ने गिनाई शिक्षा विभाग की उपलब्धियां उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रधान के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने झारखंड सरकार के चार साल की उपलब्धियाँ गिनाई है शुक्रवार बारह जनवरी को सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से काम किए हैं उन्होंने बताया है कि सीएम फेलोशिप योजना के तहत राज्य के छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसके अलावा गुरु जी की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत रियायती दरों पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा इससे स्टूडेंट को उत्कृष्ट शिक्षा मिलेगी राहुल पुरवार ने कहा है कि सीएम फेलोशिप योजना के जरिए राज्य के सरकारी अथवा गैर सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वालों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है वहीं सीएम फेलोशिप योजना के तहत यूजीसी नेट सी एस आई आर नेट उत्तीर्ण छात्रों को पच्चीस हज़ार रुपये प्रतिमा और झारखंड पत्रता परीक्षा पास छात्रों को बाईस हज़ार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह चार साल तक दी जाएगी भाजपा नेता डॉक्टर नीरा यादव ने बोला हमला भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में चार कदम भी आगे नहीं बढ़ा यह सरकार झारखंड के युवाओं को गलत आंकड़े दिखाकर भ्रमित कर रही है राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कोडरमा के विधायक ने हेमंत सोरेन सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी करार दिया कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं को सबसे ज्यादा ठगा है डॉक्टर नीरा यादव ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में शुरुआत की गई जनहित की योजनाओं को ठप कर दिया है शिक्षा के क्षेत्र में हुई पहल को भी रोक दिया है खादी मेला में दो पांच करोड़ की बिक्री राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव दो हजार तेईस चौबीस का शुक्रवार को समापन हो गया है रांची के मोराबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया था समापन समारोह में झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ही भारत का विकास किया जा सकता है उन्होंने स्वदेशी और खादी को ताकत बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया आज खादी की ही ताकत है कि ग्रामीण लोगों तक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और इस पहल के लिए झारखंड राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड धन्यवाद का पात्र है या सिर्फ स्लॉट धारकों ने अपने शिल्प का अपनी कला का अपने उत्पादों का परिचय नहीं दिया बल्कि खादी महोत्सव के माध्यम से हमारी संस्कृति को भी समृद्ध किया है स्वच्छता रैंकिंग में झारखंड को मिला उन्नीसवां स्थान देश भर के चार हजार से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग गुरुवार को जारी कर दी गई नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई इसमें पूरे देश में इंदौर और सूरत को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है वहीं झारखंड में लौह नगरी जमशेदपुर को एक लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया इसके अलावा पच्चीस हजार से ज़्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बोड्डू को क्लीन नगर निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है